हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद मैक। आज हम लोग डिटेल रोड रिव्यू करने वाले हैं टिहरी डैम तक के रोड का। अगर आप लोग देहरादून से आ रहे हैं तो बरकोट माफी से आप लेफ्ट लें, जो नरेंद्र नगर वाला रूट है। नरेंद्र नगर यहाँ से 17 किलोमीटर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रोड काफ़ी छोटा है, लेकिन रोड प्रॉपर डेवलप्ड है, प्रॉपर अच्छा से बना हुआ है, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमें चलने में। रोड काफ़ी अच्छा है। टोटल टाइम यहाँ पे दिखा रहा है हमें 36 मिनट लगेंगे अभी हमें यहाँ से नरेंद्र नगर पहुँचने में। रोड काफ़ी छोटा है, लेकिन रोड ठीक है, आप लोग जा सकते हैं इस रोड से। लगता है बारिश में यहाँ पे लैंडस्लाइड ज़रूर होते होंगे, बिकॉज मिट्टी के पहाड़ हैं यहाँ पे। अगर आप लोग इस रूट से जाते हैं नरेंद्र नगर के लिए, तो यहाँ से आपको ऋषिकेश नहीं पड़ेगा। ये काइंड ऑफ बाईपास है ऋषिकेश का, जो कि आपको सीधा नरेंद्र नगर ले जाएगा, और नरेंद्र नगर से आप टिहरी का रोड पकड़ सकते हैं। हम लोग मानेक्षा देवी मंदिर आ चुके हैं, जो कि एक फेमस टेम्पल है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं रुक के। ट्रैफिक भी काफ़ी कम है यहाँ पे, एंड यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे, प्रॉपर यहाँ से माउंटेन व्यू है आपका। रोड काफ़ी अच्छा है। रोड अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आप लोग तेज़ ड्राइव करें यहाँ पे, बिकॉज़ काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, बिकॉज़ रोड काफ़ी छोटा है। एक चीज़ और ध्यान रखें आप लोग, ब्लाइंड स्पॉट पे कभी भी आप ओवरटेक ना करें, बिकॉज ओवरटेक करने से एक्सीडेंट भी हो सकता है। एंड जहाँ भी आपको ब्लाइंड स्पॉट दिखे या फिर आपको टर्न दिखे, तो हॉर्न का यूज़ ज़रूर करें। देखिए व्यू कितना अच्छा है यहाँ का, प्रॉपर माउंटेन व्यू है, ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा व्यू है, आप लोग भी इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। मेरा सजेशन है कि आप रात में इस रूट को अवॉइड ही करें, बिकॉज़ छोटे रोड होने की वजह से रात में दिक्कत हो सकती है ड्राइविंग में। हम लोग यहाँ से टिहरी डैम जा रहे हैं, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स किए जाते हैं, वहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, जेट स्की भी है वहाँ पे, स्पीड बोट भी है, तो वहाँ का एक व्यू बहुत ही अच्छा है, कि जो लोग गोवा नहीं गए हैं तो कहते हैं कि बिल्कुल गोवा जैसा एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर मिलेगा। हम ऑल वेदर रोड पकड़ेंगे यहाँ से नरेंद्र नगर होते हुए। आप लोग ऑल वेदर रोड के थ्रू भी आप न्यू टिहरी डैम तक जा सकते हैं। अभी तक तो रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी है, कोई गड्ढा नहीं है रोड पे। आगे देखते हैं कैसी रोड कंडीशन है, अभी तक तो बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ।
भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ 40 की स्पीड पे, तो कार की स्पीड इतनी नहीं है जितना कि वीडियो में आपको लग रहा होगा, बिकॉज़ मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। इस रोड पे लैंडस्लाइड होती रहती है, आप लोगों को भी रोड पे पत्थर दिख रहे होंगे रोड पे पड़े हुए, तो देखकर ही चलें इस रोड पे और आराम से ही चलें इस रोड पे आप लोग। अभी तक तो रोड काफ़ी अच्छा था, अब यहाँ से थोड़ा रोड आपको ख़राब देखने को मिलेगा, बिकॉज आई थिंक लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे रिसेंटली। ये देखिए यहाँ पे भी आपको थोड़ा रोड ख़राब देखने को मिलेगा। लगेंगे 15 मिनट्स ऑलरेडी हम यहाँ पे रोड पे चल चुके हैं, तो रोड पे बीच बीच में हमें लैंडस्लाइड मिले थे, रोड थोड़ा ख़राब भी है।
आगे जाके नरेंद्र नगर से हम लोग ऑल वेदर रोड के थ्रू टिहरी डैम जाएंगे। आप उस रोड के थ्रू आप गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी भी जा सकते हैं। जो टोटल टाइम लगा 28 मिनट्स लगे, यहाँ से हम टिहरी डैम जाएंगे। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं उसको सेकंड पार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ।